Look at the map of your country and tell, can you find the state in which you live? जी हाँ, मैं रहता हूँ यहाँ पर और मुझे तो ये क्लियरली नजर आ रहा है. ठीक है, ये स्टेट पूरा दिख रहा है मुझे. राइट इट्स नेम ऑन द मैप. ओ तो लिखा हुआ है भाई, पंजाब है ना भाई. चलो, विच ऑफ द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट. तो देखो हमारे आसपास कौन कौन है. हमारे पास एक बॉर्डर पे राजस्थान भी अटैच्ड है, हमारे एक बॉर्डर पे हरियाणा अटैच्ड है, हमारे एक बॉर्डर पे हिमाचल प्रदेश भी है, और यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट होता हुआ जम्मू एंड कश्मीर भी है. अगर हम देखें तो हमको थोड़ा सा ही दूर जाके उत्तराखंड भी मिल जाता है, और हम ज़रा सा इस तरफ चले जाएं तो यूपी और न्यू दिल्ली तक भी पहुंच जाएंगे, और थोड़ा सा इधर ऊपर चले जाएं तो लेह तक भी पहुंच जाएंगे. तो वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टनर्स अराउंड अस. ठीक है जी, चलिए. हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? चलो मैं अपना बता देता हूँ, मैं कहाँ कहाँ रह चुका हूँ. मैं रह चुका हूँ उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल, पंजाब में 2 साल, राजस्थान में सारी जिंदगी, और गुजरात में भी 1 साल. बस इधर इधर इतना ही घूमा हूँ. ठीक है, और कहाँ कहाँ गया हुआ हूँ तो मैं बेंगलुरु गया हुआ हूँ, मैं मुंबई गया हुआ हूँ, दिल्ली बहुत बार गया हूँ, और बाकी सब घूमना बाकी है. चलो नेक्स्ट है. शामीर थिंक्स दैट दीज आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक? तो ये वापस वही वाली बात आ जाती है कि क्या स्पेस से आपको नजर आ रहा है पंजाब की बाउंड्री कहाँ पे है, हरियाणा की बाउंड्री कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री कहाँ है, और राजस्थान की बाउंड्री कहाँ है? कुछ भी नहीं दिखता स्पेस से. देर आर नो लाइन्स ऑन द ग्राउंड दैट आर ड्रॉन. इट इज जस्ट अस, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस स्टेट को यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, इस स्टेट को ये वाली बॉर्डर देंगे, इस स्टेट को ये वाला गांव मिल जाएगा, इस स्टेट को ये वाली नदी मिल जाएगी. सब हमने डिविजन किए हैं. एक्चुअल में नेचर में कोई डिविजन नहीं किया है, राइट?